हेलो एवरीवन। तो लीजिए, 2 दिनों से कोई ब्लॉग नहीं है, तो आज मैं ब्लॉग दे रही हूँ। तो आजकल ना थोड़ा सा बिजी शेड्यूल जा रहा है, अभी कॉलेज में एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे ना, मतलब ब्लॉग बनाने का, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है। इवन थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो, मतलब जैसे जैसे टाइम मिलता है, जो जो करती हूँ तब का शूट करके रखा है, वही मैं बना रही हूँ। तो ये एक्चुअली है तो ट्यूसडे का ही ये वाला। मैं कॉलेज से आई और उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ी चाय चढ़ाई थी, क्योंकि सर दर्द मुझे ना स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद पूजा का बर्तन मैं लेकर आई थी, कि आप देखते ही हैं मेरे पिछले ब्लॉग्स वगैरह में कि ये सब मेरे ना, मतलब मेरा रूटीन वर्क है। तो आते ही मैं ना पूजा का बर्तन लेकर के उधर मैंने चाय चढ़ा दिया, और सोचा कि जब तक चाय होगी तब तक ये पूजा का बर्तन भी धुल जाएगा। तो ऐसे ना, मतलब एक साथ आप दो दो काम किया करो तो थोड़ा जल्दी से मतलब काम ख़त्म होता है, टाइम सेविंग हो जाती है इसीलिए। तो फटाफट मैं उसे धो करके, और उसके बाद अभी मुझे चावल भी चढ़ाना था दोपहर के लिए। इवन दाल तो मैं ना, मतलब कुकर में डाल के गई थी, वो हो गया था, बस उसे थोड़ा सा फ्राई करना था। तो आज सुबह ना कुक को नहीं बुलाया था, क्योंकि मंडे का ब्लॉग आप लोग देखे ही थे, बर्थडे था, तो रात का ना मतलब खाना कुछ स्टॉक हो गया। तो मैंने उसे कहा कि आप सुबह मत आना, हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो रात का वो सब ना मसालेदार खाने के बाद आज डिसाइड हुआ था कि दाल चावल और चोखा खाएंगे, मतलब कि आलू का भरता। तो इसीलिए प्लेन था, तो मैंने सोचा कॉलेज से आने के बाद गरम गरम उसे बनाएंगे। तो दाल मुझे ना बस तड़का लगाना था दाल में, और फिर आलू का चोखा। तो मैं छोटे वाले कुकर में आलू डाल रही थी कि आलू हो जाएगा, उसके बाद ना मैं दाल पहले फ्राई कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने इधर प्याज टमाटर वगैरह भून लिया था, उसके बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला दे करके, और फिर उसमें ना दाल डाल देंगे, और लास्ट में थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, जिससे उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मसालों के बाद ये प्याज और टमाटर हो गया था, मैंने इसमें दाल डाल दिया। तो कभी कभी ना गैस, मतलब ना जब काफ़ी मसालेदार आप खा लो ना, तो उसके बाद ना इच्छा होती है कि दाल चावल भुजिया खाओ या दाल चावल चोखा खा लो। तो कभी कभी अच्छा लगता है, सादा खाने का भी मन होता है बिना मसाले वाला। इधर मैं चोखे के लिए प्याज और मिर्चा भुनने लगी थी, उसके बाद उसमें टमाटर देंगे। तो आज फ्राई किया हुआ चोखा खाना था, हस्बैंड ने भी कहा था। तो यहाँ पर ये, इसे मैं थोड़ी देर ना ढक दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। और उसके बाद बस मुझे ना, मतलब फ़्लिपकार्ट वाला आया था, तो फ़्लिपकार्ट से ना मैंने वो डाबर का बादाम रोगन मंगाया था, जो मिस्टी लोगों को, और मतलब बच्चों को क्या है, सब लोग ना रात को ना फेस पे लगा के सो जाते हैं, तो स्किन ड्राई नहीं होती, थोड़ा अच्छा भी रहता है। तो मैं उसे ही ओपन कर रही थी, तो उसमें ना कॉम्बो पैक था, तो मैंने दो शीशी मंगा ली थी, दोनों 100 ml की थी। तो काफ़ी अच्छे से सब बबल रैप में करके दिया था, ताकि क्योंकि ये तो मतलब ग्लास बॉटल होता है ना, कंटेनर, तो फूटने का डर होता है। तो मैं वही सब देख रही थी कि एक्सपायरी वगैरह तो ठीक है ना, क्योंकि कोई भी सामान आया तो एक बार ना एक्सपायरी डेट हर चीज़ की ना चेक करनी चाहिए। उसके बाद ये जो डब्बा है ना, तो वो पतंजलि वाले रोगन बादाम श्रीन का है, तो उसमें ना उसका जो टैप है ना, तो फ्लिप करने वाला है, तो उससे ना मतलब मिस्टी भी अच्छे से लगा लेती है। इवन वो प्लास्टिक का है, तो फूटने का भी डर नहीं, क्योंकि बच्चों के घर में ना ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती। इधर मेरा वो टमाटर प्याज मेल्ट हो गया था, तो इधर मैंने आलू जो बॉईल किया हुआ था, स्मैश किया हुआ, उसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया, और यहाँ मेरा चोखा रेडी हो गया था। उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा आज टाइम मिला, क्योंकि ना अब नवरात्रि आ गई, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले ही ना इंसान घर की सफाई शुरू कर देता है। तो आज मैंने सोचा था ना कि अब चाहे जो भी है, मुझे इसी में मुझे टाइम निकाल के सारे काम भी करने। अभी एक्चुअली कॉलेज में भी एग्ज़ाम्स हो रहा है ना, तो करेक्शन वर्क बहुत ज़्यादा है, तो टाइम ना करेक्शन में ही थोड़ा चला जा रहा है। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया था कि आज रात को करेक्शन भले करूँ, लेकिन आज ना मुझे अपने ना ये कवर्ड ज़रूर क्लीन करना। तो ये मेरे रूम का मेरा वाला कबर्ड है, जिसमें मेरे कपड़े होते हैं, तो ये ऊपर वाले में साड़ी होती है, तो साड़ी तो बहुत ज़्यादा मैंने मतलब रखी हुई है, लेकिन हाँ पहन नहीं पाती हूँ, क्योंकि टाइम चाहिए साड़ी पहनने के लिए, और वो टाइम का इशू हमेशा हर किसी को लगा। इधर ये जो पैकेट आप टंगे हुए देख रहे हैं ना झोले, तो इसमें ना मतलब एमएसटी के लहंगे, जो फ्रॉक्स पार्टी वेयर ना होते ना, उनसे ना आप कितना भी फोल्ड करो अच्छे से नहीं होता, तो मैं उन सबको ऐसे ही हैंगर में लगा के डाल देती हूँ, ताकि वो गंदा भी ना हो। इधर मैंने पेपर उसका चेंज कर दिया था सब क्लीन करने के बाद। अभी मैं उन साड़ियों में से ना कुछ, मतलब मुझे थोड़े से डिक्लटर करने थे,
मैंने सोचा है कि कुछ साड़ी ना मैं आंटी को पूछ के दे दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप ले लो इसमें से। तो क्योंकि अगर पहनते नहीं है तो कोई दूसरा पहन जाए, तो ये फेंकने से तो ज़्यादा अच्छा, और इवन रखे रखे बर्बाद होने से अच्छा है कि कोई यूज़ कर ले। तो मैं फटाफट एक तरफ सिल्क की साड़ियाँ डाल रही थी, दूसरी तरफ सिफोन की। मतलब इससे क्या होगा ना कि जब भी आपको पहनना होगा उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो कि इधर सिर्फ सिल्क वाली है, इधर सिर्फ सिफोन वाली है। तो ये तो ना मतलब हर लेडीज़ की प्रॉब्लम है, चाहे कितने भी कपड़े क्यों ना हो जाए, आपको कहीं भी जाना हो ना तो कपड़े ही नहीं मिलते। तो ये हमेशा का होता है, अगर कहीं जाना होता है तो हस्बैंड भी बोलते हैं तुम्हारे कपड़े तो रेडी है ना, क्योंकि उनको पता है कि लास्ट मोमेंट पे ना ये निकालेंगे वो निकालेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि यार मेरे लिए तो पहनने के लिए कोई ढंग का मिल ही नहीं रहा। तो ये हर लेडीज़ की कहानी है, हर घर की कहानी है कि हमारे पास ना देखने के लिए, रखने के लिए, ना कपड़ों के लिए जगह नहीं होती, लेकिन जब पहनने की बात आती है तो भाई कोई ढंग का मिल ही नहीं रहा। तो मैं वही साड़ियों में से ना जो सब मुझे हटाने थे, डिक्लटर करने थे, उन सबको मैं हटा रही थी। और मुझे मतलब था ना कि अभी क्लास स्टार्ट होने में मेरा अभी आधा घंटा था, तो मैंने सोचा कि जब क्लास होगा तब देखेंगे, तब तक चाहे जितना हो जाए उतना मैं कर लेती हूँ। तो ये सारी साड़ियाँ मैं पहनती नहीं हूँ ना, तो मैंने उसे अलग से एक बैग में रखा, जिसे ना मतलब लोग मतलब किसी और को दे देंगे उसके लिए। तो यहाँ मेरा सिफोन की साड़ी वाला। तो अभी तो नवरात्रि आई है, अभी उसका पूजा पाठ, अभी पूजा रूम भी मुझे क्लीन करना है, मतलब पूजे का मंदिर। उसके बाद अभी नवरात्रि के साथ साथ तो उसके बाद दिवाली आ जाएगी। नवरात्रि में हर साल जब भी छुट्टी होती थी ना तो मैं घर की सारी क्लीनिंग कर लेती थी, लेकिन इस बार हम कहीं जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे वो आपको बताएंगे, इवन आपको ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो ये मेरा साड़ी वाला कबर्ड रेडी हो गया था, इवन बीच वाले में ना जो मेरे डेली वेयर के पैंट और टी शर्ट होते हैं वो, तो उन सबको भी निकाल के, तो यही देखिए ये मैंने उसे हटा दिया था, और उसका भी पेपर चेंज करके मैं इसमें ये रखते जा रही थी। कुछ एक तो जो थे ना थोड़े फैंसी वाले, तो उनसे भी मैं उसी में रख देती हूँ। तो सच में ना मतलब हम सबकी यही कहानी है, कपड़े इतने दिखते हैं लेकिन पहनने के टाइम में कपड़े नहीं दिखते। तो गाइस हम जाएंगे, अभी तो उसकी भी पैकिंग स्टार्ट होगी, आपको आगे वाले ब्लॉग में दिखेगी इसकी पैकिंग। अभी पूजा मंदिर का क्लीनिंग, अभी कल फिर सैटरडे संडे है तो इसमें पूरी सफाई करनी होगी पूरे घर की, क्योंकि संडे से ही पूजा शुरू हो रहा है। तो दुर्गा माँ इस बार हाथी पर आ रही हैं, सबको पता ही है। इवन अभी तो 9-10 दिन पूरा मतलब नवरात्रि में ही जाएगा, हर कोई बिजी होगा, हर कोई अपने अपने ढंग से सेलिब्रेट करता है। तो मैं भी मतलब हम लोग जहाँ इधर जाते हैं ना, मतलब जहाँ पे दुर्गा पूजा होती है, तो बंगाली एसोसिएशन है, तो उन सब के वीडियो ब्लॉग्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छे से होता है, शंकराय कार्ट एंड फाउंडेशन सेंटर है जहाँ पे ये लोग करते हैं। उसके बाद देखिए इधर जिया की ना ये बदमाशी, हम लोग उसके बाद ना थोड़ा सा मतलब चले गए थे बिग मार्केट, मतलब एक जनरल स्टोर है तो जहाँ पे मतलब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एक ही मतलब एक शॉपिंग स्टोर आप कह सकते हो। तो वहाँ से ना एक मिष्टी बोली थी कि मुझे भी ना ये चश्मा चाहिए, मुझे भी लेके आना क्योंकि हम लोग अभी घूमने जाएंगे तो मुझे भी चाहिए सब ऐसा करके। तो फिर मिष्टी जिया उसे देख ही रहे हैं, तो मिष्टी गा रही थी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया क्योंकि इसने उल्टा पहना था। उसके बाद मैं यहाँ मैंने मतलब सेटअप अपना लगा दिया था क्योंकि क्लास का टाइम हो गया था, बट आज क्लास ना मतलब जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई तो मैं हेडसेट लगा के मतलब रेडी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बच्चा ज्वाइन होने के बाद ना उसे मतलब मेरी आवाज़ आ ही नहीं रही है, और उसकी आवाज़ जो मुझे आ रही थी और मेरी आवाज़ उसे नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना, तो फिर मैंने हेडसेट सोचा कि अब हेडसेट शायद हटाना पड़ेगा, क्योंकि ना मतलब एक दिन और मिस जी ने भी ये हेडसेट लगाया था, जबकि ये नया ही है हेडसेट, इससे पहले भी मैं यही सेम वाला यूज़ करती थी, ख़राब हो गया था तो ये दूसरा मंगाई थी। तो अभी इसे तो आए हुए मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए, लेकिन पता नहीं इसमें कोई इशू आ गया। तो ये बच्चा यहाँ आ गया था, लॉगिन कर लिया था, और उधर से बोल रहा है कि मैम आई कांट हेयर यू। तो फिर मैंने वही हेडसेट मैंने हटाया, मैं भी इधर स्क्रीन पर आ गई थी, तो उस बच्चे ने इशारा किया कि योर वॉइस इज़ नॉट कमिंग। तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसे निकाल देते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इसे निकाला ना आवाज़ अच्छे से आने लगी, तब
तो पता नहीं इसका क्या हुआ, मुझे अभी देखना है कि इसका वारंटी कार्ड वगैरह है या नहीं है, वारंटी पीरियड, तो शायद इसे एक्सचेंज करा ले। तो ये मैंने यहाँ पे हटा दिया, तब उसे डायरेक्टली मेरी आवाज़ अच्छे से जाने लगी। तो ये बच्चा आज नया नया ज्वाइन हुआ था, दुबई का है, तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये सिर्फ ओनली 30 मिनट्स क्लास लेता है 3-4 डेज। तो अभी शाम को हर दिन 7:30 ना इसकी क्लासेस हो जाती हैं, मंडे टू थर्सडे तक। तो यहाँ मैं उसे बात कर रही थी, तो इसका ना मतलब आईबी बोर्ड है वहाँ पर, अभी इंडिया इसे वापस आना है, तो ये लोग मतलब समझना चाह रहे थे कि इसे कितना पढ़ने की ज़रूरत है, इसे कितना आता है या नहीं, तो इसे कहाँ पे कितनी प्रॉब्लम थी, इसे क्या समझ में आता था नहीं आता था। और जिया ना मतलब लैपटॉप में जब देखती है कि उधर से कोई दिख रहा है ना, तो वो आ करके आराम से कुछ नहीं करती है, आ करके हंस के चली जाती है बार बार देख के। तो गाइस अब तो जल्दी से मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से अच्छे अच्छे नए नए ब्लॉग्स आते जाएँ, अभी नवरात्रि शुरू हो रही है, हर कोई बिजी होगा। तो गाइस बने रहिएगा चैनल पे, मैं आपको हमेशा हर एक एक अपडेट देती रहूँगी, और हम कहाँ जाने वाले हैं इसके लिए हमेशा चैनल को देखते रहें, आप लोगों को अच्छे और नए वाले ब्लॉग्स जल्दी ही मिलेंगे। तब तक गाइस मिलते हैं फिर से, बाय।